नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं के चलते कपकपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले एक हफ्ते तक लगातार ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है और साथ ही बारिश का भी अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं इस कारण मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक बार फिर बर्फीली हवाएं चलती दिखेंगी। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना दिख रहा है। वहीं 5 और 6 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके कोहरे की चपेट में दिख रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते के आखिर तक तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भी ठंड की चपेट में आ चुके हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन राज्यों में अगले कुछ दिन लगातार ठंड का एहसास बना रह सकता है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में 5 जनवरी से 9 जनवरी तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले हफ्ते राज्यों में ठंड से थोड़ी राहत मिलते दिखेगी। कश्मीर में अधिकतर सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दिखेगी। इसी के साथ कल से पूरे हफ्ते बारिश के साथ साथ कई इलाकों में बर्फबारी होती दिखने की पूरी संभावना भी है। वहीं बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मौसम करवट लेते दिख रहा है। राज्य में अधिकतर इलाकों में आज और कल लोगों को ठंड से राहत मिलते दिख रही है। वहीं 5 जनवरी से कई राज्य के जिलों में बारिश होते दिख सकती है, जिसके चलते तापमान एक बार फिर गिरावट की ओर जा सकता है। इसके अलावा बर्फबारी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।